स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेज अजीत रोड बठिंडा। माय कॉन्टैक्ट इज 9463625680। तो बेटा, हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm भी बोला जाता है, 1 atmosphere भी बोला जाता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा, वो कितने पास्कल के इक्वल होता है? वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे इसको 760 mmHg बोला जाता है, 760 mm ऑफ मर्करी इसको बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट थिंग। और इस ये जो 1 atmosphere होता है, ये 760 torr के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ 1 atmosphere 1 bar के इक्वल होता है। इन वैल्यूज़ को आप जो है याद रखोगे। पास्कल में कितना होता है? 1.01 × 10⁵। ठीक है, तो जनरली अगर आपको कभी पास्कल में पूछा जाए कि 1 atmosphere पास्कल में कितना होता है, तो आप इसको 10⁵ पास्कल भी याद रख सकते हो। ठीक है, कि 1 atmosphere इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और इसको अगर टोर में पूछा गया तो 760 torr, अगर बार में पूछा गया तो 1 bar के नियरली इक्वल होता है, और mm ऑफ HG में पूछा गया तो 760। अगर आपको cm ऑफ HG में पूछा गया बेटा, cm ऑफ HG का मतलब होता है सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये होता है 76 cm ऑफ HG। ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ आ सकता है, अगर लिखना है तो mmHg भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्यों होता है इनके इक्वल, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है कि ये 1 atmosphere है जो वो 760 और जो 76 cm के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप क्या करो, एक ट्यूब ले लो। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो ऐसे करके। ठीक है, सपोज जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो 1 meter है। सपोज इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 1 meter। ठीक है, 1 meter का मतलब कितना होता है, कितने सेंटीमीटर है? 100 cm। ये क्या है? 100 cm। आपने बेटा इसमें क्या किया, आपने इसमें इस सारी में इसको अप टू द ब्रिम फिल कर दिया, ऊपर तक इसको भर दिया। ठीक है, किससे? मरकरी से। आपने इसको किससे फिल कर दिया? मरकरी से आपने इसको फिल कर दिया। ठीक है, ये अब ऊपर तक भर गई 100 cm की 100 cm। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे करके एक उंगली रख दी। ठीक है, इसको ऊपर से बंद कर दिया, बंद करके आपने इसको टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा। ठीक है, तो मतलब ऐसे टेढ़ा कर दिया, जैसे ये दिखा रखी, ये टेढ़ी है ना, इसको टेढ़ा कर दिया। जब आपने इसको टेढ़ा कर दिया, तो फिर आप एकदम से अपनी उंगली हटाओ। जब आप अपनी उंगली हटाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो मरकरी होता है बेटा, जो मरकरी होता है वो कितना था इसमें? मरकरी 100 cm था। ठीक है, 100 cm था या 1 meter था, तो जो मरकरी होगा बेटा वो इसमें से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना जो है मरकरी वो नीचे जो है अर्थ के ऊपर गिरेगा, वो गिरेगा बेटा 24 cm। देखो ये कितना था? 100 cm। इसको जब हमने टेढ़ा किया तो एकदम से फिंगर हटाई तो मरकरी कितना गिर गया नीचे? 24। तो पीछे कितना बचा? 76 cm। ठीक है, तो जब हम इसको टेढ़ा करेंगे तो 76 cm जो है वो इसी जो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा और 24 जो है नीचे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे 76 क्यों बचा? क्योंकि बेटा जो 76 cm ऑफ मरकरी जो होता है, उसका जो प्रेशर है, जैसे इसको अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और जो यहाँ पे गैसेज होंगी, ठीक है, वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी, इस मरकरी के ऊपर। ठीक है, तो जो अर्थ की ग्रेविटी होगी और जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो इक्वलाइज हो जाएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ, जैसे ये हमने इसको ऐसे करके टेढ़ा कर दिया, ठीक है, और जो मरकरी है वो यहाँ तक जो है वो फिल्ड है। अब ये कितना है बेटा? 76 cm है अभी यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 76 cm है। तो अब देखो, ये यहाँ से 24 जो था वो निकल गया, अब ये 76 cm। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, इस मरकरी को नीचे ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, और यहाँ से जो एयर है वो प्रेशर डाल रही है। ये क्या है? 1 atmosphere। ठीक है, ये प्रेशर लगा रही है एयर, और यहाँ पे mg। ठीक है, mg क्या होता है? जो अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, और जो 1 atmosphere है वो किसके इक्वल आ जाएगा? देखो, 76 cm ऑफ मरकरी के आ गया। समझ आ गई बात? तो दैट्स वाई इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या लिए जाते हैं? 1 atmosphere किसके इक्वल लिया जाता है? 76 cm ऑफ HG के लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे मिलीमीटर ले लूँ, ठीक है, मिलीमीटर ले लूँ, तो 1 cm में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? 10।
एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 760 mm ऑफ Hg, इसको आप क्या लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम 760 mm ऑफ Hg लें या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लें, वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या लेना है, ठीक है। जनरली जो लिया जाता है वो 76 mm Hg भी ले लेते हैं और 760 mm Hg भी ले लेते हैं या 76 सेंटीमीटर Hg भी ले लेते हैं, तो हम क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे। आपको आई होप के समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंट ये है कि एक आपने यहाँ पे बीकर ले रखा है, ठीक है, एक आपने यहाँ पे बीकर ले रखा है, बीकर में क्या फिल कर रखी है, मरकरी फिल कर रखी है, ये सारा मरकरी का फिल किया हुआ है। आपने ना क्या किया, इस बीकर में एक टेस्ट ट्यूब ले ली, खाली थी ये टेस्ट ट्यूब जब ली थी, तो इसके ऊपर ऐसे आपने लगा दी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जब आपने ये टेस्ट ट्यूब जो थी इसमें 100 सेंटीमीटर तक क्या था अपने, वो फिल था, मरकरी फिल था, ठीक है। तो आपने इसको ऐसी उंगल हटाई और इसमें जैसे ही डाला, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें से 24 जो सेंटीमीटर था वो तो इस सॉल्यूशन में आ गया और बाकी सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि यहाँ से देखो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, किसका, एयर का जो प्रेशर लग रहा है यहाँ से, वो कितना लग रहा है देखो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर की वजह से कि ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पे, जो फील्ड है वो नीचे नहीं आया, ठीक है, वो यहाँ पे 76 की तरह रह गया जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसको आपने एज इट इज़ कर लेना है। तो अब क्वेश्चन ये है अब हमने प्रेशर निकालना है कि कैसे निकालेंगे प्रेशर। ये देखो, तो जो प्रेशर होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने फिजिक्स में किया ये फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स कौन सी है यहाँ पे बेटा, फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल। फोर्स कौन सी है बेटा, ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या होती है, mg के इक्वल होती है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, जब मास इंटू एक्सेलेरेशन बोल सकते हो। तो फोर्स की जगह पे हमने mg पुट कर दिया, डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्रेशर है इट इज़ इक्वल टू मास किसकी इक्वल होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला सुना होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ से मास निकालोगे बेटा, तो जो मास है वो किसकी इक्वल आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की इक्वल आएगा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की इक्वल आएगा। अच्छा, जो मास होगा बेटा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। आप इसको एरिया इंटू लेंथ भी तो लिख सकते हो, जो वॉल्यूम है आपको एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हो ना। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू एम की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एल लेंथ होगी, ठीक है, और इंटू जी तो यहाँ पे पहले ही था, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। अब देखो, एरिया के साथ एरिया कट गया, ठीक है, एरिया के साथ एरिया कट गया, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बचा, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू जी, ठीक है, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू जी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, ठीक है। ये रो होती है, ये एक ग्रीक वर्ड है रो, और जो जी है वो क्या, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो एल है, एल को हमने हाइट से मेंशन कर दिया, यहाँ पे ये एच है, एल जो लेंथ थी वो हमने हाइट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये देखो हाइट, ठीक है। तो ये आ गई, तो हमारा जो प्रेशर होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, रो जी एच, ठीक है, वो क्या आ गया, प्रेशर रो जी एच आ गया। तो अब हम क्या ले रहे हैं कि रो किसका है बेटा, ये जो रो है ये किसका है, ये रो है, डेंसिटी किसकी है, ये मरकरी की डेंसिटी है बेटा, और जी किसकी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो एच है हाइट किसकी है, ये भी मरकरी की है, ये देखो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, मरकरी की, ठीक है, और जो डेंसिटी है ये भी मरकरी की होगी, और जो ग्रेविटी है वो किसकी होती है, वो अर्थ की होती है। तो ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आता है रो जी एच, यहाँ से ये सॉल्व होता है, समझ आ गया आपको, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई भी पूछे कि 1 एटमॉस्फेयर कितने एच जी के इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हो ना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 760 mm ऑफ एच जी के इक्वल होता है, और जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। यहाँ पे रो क्या है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज़ द हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मूला आया। तो बेटा अब एक क्वेश्चन और माइंड में आता है जब हम ये बात करते हैं, तो बेटा ज़्यादातर बच्चे अब ये सोचेंगे सर यहाँ पे मरकरी ही क्यों लिया गया, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में अगर वाटर ले लेते यहाँ पे, तो वाटर लेते तो क्या आता प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है जब हम यहाँ पे वाटर ले लें मरकरी की जगह पे। तो अभी मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये रहा, इफ़ वाटर इज़ यूज इन प्लेस ऑफ एच जी इन बैरोमीटर, ठीक है, अगर बैरोमीटर में हम जो है मरकरी की जगह पे वाटर यूज़ कर लें, वट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ बैरोमीटर टू मेज़र नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम बैरोमीटर में मरकरी की जगह पे क्या ले लें, वाटर ले लें, तो बेटा क्या होगा, तो हाइट कितनी होगी, जैसे यहाँ पे मरकरी के केस में जो हाइट आ रही है वो आ रही है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो ठीक है, तो अब अगर वाटर ले ली तो कितनी आएगी, वो कितनी जो हाइट होगी वो 1 एटमोसफियर के बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का वो किसके इक्वल होता है, रो जी एच, ठीक है, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, रो जी एच, रो इज वट, रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, एच जी इज वट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज वट हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी वाटर ले लें, वाटर का केस ले लें, ठीक है, अगर सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, ठीक है, दिस इज रो, रो ऑफ वाटर, दिस इज रो ऑफ एच जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कभी कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सॉरी इसमें क्या ले रहे हैं हम, प्रेशर ऑफ वाटर है बेटा, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच जी कर दें, अगर हम दिस इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच जी कर दें यहाँ पे, तो ये प्रेशर ऑफ वाटर किसके इक्वल आएगा, देखो प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है ना, तो रो ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या, प्रेशर ऑफ मरकरी, प्रेशर ऑफ मरकरी किसके इक्वल आता है, रो जी एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द हाइट ऑफ मरकरी। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों में सेम होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है बेटा, अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो मरकरी की डेंसिटी होती है, जो मरकरी की डेंसिटी होती है बेटा वो वाटर की डेंसिटी से कितनी ज़्यादा होती है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कितनी ज़्यादा होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मरकरी का वेट होता है वो वाटर के वेट से कितना ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो 13.6 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, 1 लीटर बोतल में, 1 लीटर बोतल ले ली आपने, ठीक है, उसमें आपने वाटर का वेट मेजर किया, सपोज वो 1 kg आया, सपोज वो 1 kg आया, तो उसी 1 लीटर बोतल में अगर आप मरकरी को फिल करोगे, पूरा आप फिल करोगे, तो उसमें जो मरकरी का जो वेट आएगा वो 13.6 kg आएगा बेटा, वो कितना आएगा, 13.6 kg आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या करना है, हमने अभी क्या निकालना है, हाइट ऑफ वाटर निकालनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बेटा, हाइट ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ वाटर निकालेंगे रो एच जी इंटू एच एच जी डिवाइड बाई पी डब्ल्यू, सॉरी रो 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 डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे रो डब्ल्यू क्या है बेटा, वाटर की डेंसिटी, तो जो वाटर की डेंसिटी है बेटा इसको तो हमने 1 ही मान लिया, क्योंकि अगर इसको 1 मानेंगे तो इसकी कितनी आएगी, 13.6, ठीक है। तो जो एच वाटर निकालेंगे वो क्या आ गया, 13.6 इंटू हाइट, ठीक है, ये देखो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 13.6 इंटू हाइट ऑफ मरकरी डिवाइड बाय 1, ये रो डब्ल्यू क्या आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो जो हाइट ऑफ मरकरी होती है बेटा वो क्या होती है, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13.6 इंटू 76 क्या आ गया, देखो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 13.6 इंटू 76 क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1033.6 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो 1033.6 सेंटीमीटर, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ गया 10 मीटर। तो मतलब कहने का ये हो गया कि आपको अगर आपने वाटर के केस में जो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो आपको सबसे पहले 10 मीटर की इतनी ऊंची इतनी लंबी जो है वो मतलब बैरोमीटर लेना पड़ेगा या टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें आपको वाटर फिल करना पड़ेगा, फिर वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर जाके जो है इसका प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेट होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 मीटर लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक मीटर में जनरली 3 फीट होते हैं, तो 3.3 फीट्स होते हैं, तो 10.3 मीटर्स
में आप देख लो कितना फीट हो गया, वो हो गया अप्रॉक्सीमेट 35 से ज़्यादा फीट हो गया। तो 35 से ज़्यादा फीट आप समझ सकते हो कि जो अपनी दीवार, अपनी जो छत होती है ना ऊपर कमरे की, वो 10 मीटर की होती है। तो उस जैसी तीन चार छतें मिला के फिर जो है उसके इक्वल आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई हम वाटर को यूज़ नहीं करते और ओनली मरकरी को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच।